सो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आप लोग इंतजार कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के। और एक्चुअली फर्स्ट मेरिट लिस्ट 7 जून यानी कल ही आना था, लेकिन मेरिट लिस्ट आ नहीं पाया। क्या कारण था कि नहीं आ पाया ये आपको भी लग रहा होगा, कब आएगा ये भी आप सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको मेरिट लिस्ट की पूरी कहानी बता देता हूँ, क्यों मेरिट लिस्ट नहीं आया था और आज मेरिट लिस्ट आएगा या बाद में मेरिट लिस्ट आएगा, पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको पहले कुछ पेपर के कटिंग को दिखाता हूँ। ये पेपर को कटिंग को देखिए, फिर आप डिस्कस कीजिए। ये है पटना यूनिवर्सिटी का कल का न्यूज। बेसिकली हुआ क्या, मेरिट लिस्ट कल ही आने वाला था और ये मैं आज से नहीं बल्कि जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट हुआ था यानी 4 जून के बाद से ही मैं कह रहा था कि 7 जून को मेरिट लिस्ट आ जाएगा और ये आने वाला ही भी था। ठीक है, क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन होती है वो कंफर्म होती है, इस इन्फॉर्मेशन में कोई डाउट होता नहीं। लेकिन एक्चुअली हो क्या क्या कल कि कल पीयू के कर्मचारी लोग का हड़ताल था। ठीक है, मतलब कल यहाँ के जो स्टाफ है स्टाफ लोग का एट अ रैंडम हड़ताल हो गया। तो आप इमेज देख ही सकते हैं, सारे के सारे लोग धरना पर बैठ गए थे। तो काम तो कल होगा नहीं, ये कन्फर्म था। इसके बाद शाम 7-8 बजे जाकर के बीजी साहब से इनकी बात हुई, फिर वो मामला वो सेटल हुआ, फिर इनका जो डिमांड वगैरह था वो सब कल सेटल हुआ। और सेटल करने के बाद आज मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। मेरिट लिस्ट कब तक आएगा आज, क्योंकि ये बात मैं नहीं बल्कि यहाँ के जो डीन सर होते हैं, मतलब स्टूडेंट वेलफेयर, मतलब स्टूडेंट के बारे में जो भी सारा इंफॉर्मेशन होता है वो जारी करने के लिए एक अथॉरिटी होते हैं जिसको हम लोग डीन सर कहते हैं। तो यहाँ के डीन सर अनिल बाबू है, अनिल सर यहाँ के डीन सर है। और देखिएगा इसमें क्या लिखा गया, ये पटना यूनिवर्सिटी का आज का ये नोटिस है रिगार्डिंग द पीजी एडमिशन है, लेकिन ये दैनिक भास्कर पेपर में है, डेट देख लीजिए 8 जून का है। ठीक है, 8 जून का पेपर है, पटना में है, देख लीजिए, सब कुछ दिखा देते हैं, देखिए। और इसी पेपर में अगर आप स्टेंजा को पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़ते हैं आपके साथ में। स्नातक का आज जारी होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। शनिवार को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और मेरिट लिस्ट आज शाम के 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच कभी भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट जारी करते हैं डीन सर, एडमिशन इंचार्ज, पटना यूनिवर्सिटी के बीसी सर यानी प्रोफेसर केसी सिन्हा सर, ये सबको मिल करके जब टाइम फ्री होगा तो वो सामने वो बैठक करेंगे, फिर एडमिशन ऑफिस में जाकर के वो बकायदा जारी करेंगे। ठीक है, और जब जारी करते हैं तो फोटो वोटो सब कुछ, मीडिया वीडिया सब कुछ आती है, वो फोटो वोटो खिंचाता है। तो जब तीनों एक जगह बैठेंगे तभी ये जारी होगा। तो उम्मीद है ये काम 4 बजे के बाद होता है अक्सर, पिछले साल उसके पिछले साल उसके पिछले साल, तो 4 से 7 बजे के बीच में आज तो कन्फर्म है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। देखिएगा शनिवार को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, इसके बाद नामांकन लिया जाएगा, अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल खोल दिया जाएगा। और स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि जल्द ही पोर्टल खोले जाएंगे, मतलब जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा फिर जो एडमिशन लेने का काम है वो साइट पर कैसे एडमिशन लेना है, कैसे पैसा भरना है, ये सब कुछ मेरिट लिस्ट आने के बाद बताएंगे। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो लेकर के आएंगे। अभी ये जो आप कंफ्यूज थे, पूरा परेशान थे कब आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा टेंशन कम होगा इस वीडियो को देख करके। बाकी जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है फिर आपको बताते हैं। बाकी आपके लिए सर्विस चल ही रही है कि भाई पटना यूनिवर्सिटी को किसी को भी एडमिशन लेना है पटना यूनिवर्सिटी में, अगर आपका परसेंटेज कम है या कुछ भी इशू है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। और एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए आप सारा हेल्प क्या कर सकते हैं, उस नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। फिर मिलते हैं जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है, फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।